बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो मेरे क्लास पेड स्टूडेंट होंगे, मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा ग्रुप के अंदर। मैं उनको ही ऐड करूँगा जिसने फ़ीस मेरी पे कर दी है। फ़ीस पे करने का तरीक़ाकार यही है कि मेरे पास जो जेज़ कैश अकाउंट है, आप उसमें पैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलें अब आते हैं इस डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका कैसे होता है। नंबर वन के अक्सर करके हमसे डॉन नहीं पढ़ी जाती, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इशू है वो है वोकेबलरी का। और नंबर दूसरा, जो ईडियम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं इस डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, और फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर करके हम इनको सही से समझ नहीं पाते। फिर हम हैक्टिक और बोर और टायर्ड फील करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, ये मुश्किल है, हमसे नहीं हो पा रहा। तो आज बहुत सिंपल तरीक़ेकार मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखें, अब ये टॉपिक है एडिटोरियल पेज की, डॉन की इलीगल पार्किंग फ़ी के हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अख्तियार करनी है तो देखें, आप देखेंगे ऊपर के इलीगल वर्ड आपके सामने आए, तो आपने इस पहले वर्ड के 5 से 6 सिनोनिम जो है वो आप लिख सकते हैं स्टार्ट में वोकेबलरी बिल्ट अप करने के लिए। इलीगल का जो दूसरा सिनोनिम है वो है अनलॉफुल है, इलिसिट है, फेलोनियस है और इललेजिटिमेट। ये 3-4 जो सिनोनिम्स हैं वो आप डेली अपनी राइटिंग एक पेज बनाएं, उस पर लिखने की कोशिश करें। नंबर दूसरी बात ये है कि वोकेबलरी के अंदर जो ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किए हैं, वर्बल फ्रेज जो इस्तेमाल किए हैं, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैरीड इन, उसके बाद लफ्ज़ लिखा हुआ है टेक ओवर। हम अक्सर करके क्या करते हैं कि इनकी ओरिजिनल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग नहीं निकलेगी। आई मीन के आप लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। कैरीड का मतलब है लेके आना, इन मतलब आप कहते हैं अंदर लेके आना। इसका ये कभी भी ये मीनिंग नहीं निकलती और हम ओरिजिनल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें मुश्किल सामने आती है। तो देखेंगे कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ लेटर्स कैरीड इन, यहाँ पे ये वर्ड है कैरीड इन। कैरीड इन लफ्ज़ की मानी यही है पब्लिश्ड और ब्राट, लेके आना, ठीक है। इन दीज कॉलम्स ऑन द इशू ऑफ इलीगल चार्ज्ड पार्किंग माफिया दैट हैज टेकन ओवर। अब ये लफ्ज़ आया है टेकन ओवर, टेकन वर्ब है, वर्ब के साथ जब भी प्रीपोजिशन होती है तो वो हो जाता है वर्बल फ्रेज। तो टेकिन हम कहते हैं टेकिन मतलब हासिल किया, ओवर माना ऊपर से, ये इसका कथन ये मकसद नहीं है। यहाँ पे ये है टेकिन ओवर, टेकन ओवर लफ्ज़ की मानी है कंट्रोल करना, मीन अज्यूम अ चार्ज। तो देखेंगे पार्किंग माफिया ने क्या किया, टेकिन चार्ज मतलब कंट्रोल कर दिया है, कब्जा कर दिया है मैनी एरियाज ऑफ कराची। फिर लफ्ज़ है दीज कोर्सर्स, कोर्सर्स लफ्ज़ की मानी होती है ब्लैकमेलर्स, कोर्स लफ्ज़ की मानी होती है फोर्स कंपेल करना। तो दीज कोर्सेस ब्लैक माफिया जो है वो चार्ज ईच व्हीकल RS 50-100 एंड डू नॉट इशू अ रिसीट। ये लफ्ज़ रिसेप्ट नहीं है, ये लफ्ज़ है रिसीट, यू कैन चेक इन योर डिक्शनरी। फिर लफ्ज़ है द रैकेट इज थ्राइविंग ओपनली इन द बिजी लोकेलिटीज ऑफ द ओल्ड सिटी एरियाज। यहाँ पे वर्ड है रैकेट, रैकेट लफ्ज़ की मानी है यहाँ पे नॉइज़, कैकफनी, जो नॉइज़ है वो थ्राइविंग, थ्राइविंग लफ्ज़ की मानी है फ्लरिशिंग मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी यही मानी है थ्राइविंग। ओपनली इन द बिजी लोकलिटीज ऑफ द सिटी। फिर आते हैं ऑफ लेट, उसके बाद है एक्सटॉर्शनिस्ट माफिया। एक्सटॉर्शनिस्ट लफ्ज़ और ऊपर जो मैंने कोर्सेज बताया, इन दोनों की मानी एक ही है, मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट मतलब जो ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टेशनड लफ्ज़ है, स्टेशनड मतलब पोस्टेड। मोस्ट ऑफ द दीज पीपल आर स्टेंशनड विदाउट एनी अथॉरिटी, ये जो लोग खड़े किए जाते हैं मार्केट के अंदर जो पार्किंग लेते हैं, दे आर स्टेशनड मतलब पोस्टेड। देखें ये तरीक़ेकार होता है रीडिंग करने का। बाकी जो पेड स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए अच्छे खासे वीडियोस बना के मैं डेली भेजता रहूँगा, इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम यू विल इम्प्रूव अलॉट। थैंक यू।